हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अबाउट एवरीथिंग चैनल। वैसे तो अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन अब किसी का अंतरिक्ष में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। यह एक ऐसी सोच है जिसके बारे में सोचकर एस्ट्रोनॉट खुद घबरा जाते हैं। तो आए देखते हैं क्या हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गुम हो जाता है तो। वैसे तो इसरो, नासा और अन्य स्पेस एजेंसी के अपने कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनको स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए यूज करना पड़ता है। इनमें सबसे पहले तो किसी भी एस्ट्रोनॉट को जो अंतरिक्ष में जा रहा है उसको एक ही 26 मीटर लंबी स्टील की रस्सी से बांध दिया जाता है जो लगभग 500 किलोग्राम तक का दबाव सहन कर सकती है। यह सेफ्टी फीचर्स भी खराब हो जाता है। तो एक अन्य सेफ्टी फीचर एस्ट्रोनॉट के हमेशा साथ रहता है जिसका नाम सैफर, जो हमेशा एस्ट्रोनॉट के साथ में रहता है, जिसका काम उनको कंट्रोल करना सिखाता है और या एक जैकपॉट जैसा होता है। अगर सैफर काम नहीं कर रहा हो तो या बाहर गया है, एस्ट्रोनॉट बेहोश हो गया हो, तो एक ही चारा बचता है कि अन्य एस्ट्रोनॉट साथ कर रेस्क्यू मिशन करें। वैसे यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी विमान नहीं है जो स्पेस में आसानी से घूम सके। अगर यह तरकीब काम नहीं आती है तो एस्ट्रोनॉट कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, यह कहना इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि जब उसकी रस्सी कटेगी तो वह उसी फोर्स के साथ उसी डायरेक्शन में सीधा जाएगा और आपका हाथ पैर हिलाना, कोई भी प्रयत्न करना व्यर्थ होगा क्योंकि आप वेट लॉस फील करोगे। आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गए तो आप भी चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दोगे, लेकिन इस परिस्थिति में आप सिर्फ 8 घंटे ही जिंदा रह पाएंगे जब तक आपकी ऑक्सीजन चल रही है। अगर आप पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं तो आप बहुत तेज गति में पृथ्वी के धरातल की तरफ जाएंगे और वातावरण में घर्षण के कारण जलने लगोगे और मर जाओगे। वैसे तो आज तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और नासा का भी यही कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी क्योंकि उनके सिक्योरिटी मेजर बहुत ही अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।